ग्राम पंचायत सुकरौली के गुरहिया गांव में धान का खड़ा फसल गिर जाने से किसान काफ़ी परेशान। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग गिरे हुए फसल को उठा करके बांध रहे हैं। ये नया तकनीक अपना रहे हैं कि किसी तरीके से ये फसल बच जाए। जैसे कि आप वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ये लोग मिल करके फसल को उठा करके उसको बांध रहे हैं, धान की बधाई कर रहे हैं ये लोग। जैसे गंदा बांधा जाता है, उसी तरीके से ये लोग इसका टेक्निक अपनाए हुए हैं कि किसी तरीके से फसल बच जाए। फसल गिर करके काफ़ी नुकसान हो गया है। हम इनसे ही जानना चाह रहे हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बुद्धू। हाँ, इधर इधर जरा ये बताइए, कौन सा गांव है? गुरहिया। गुरहिया, तो फसल काफ़ी गिर गया है? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा गिर गया है। तो इसको इस तरीके से बांध करके आप रोकेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, ये नया तकनीक आप अपना रहे गन्ने जैसा आप बांध बधाई कर रहे हैं। अच्छा, बच जाएगा तो बच जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से जैसे देखें आप, ये किसान जो है बहुत परेशान है बेचारे। ये नया तकनीक अपनाए हुए हैं, जैसे गन्ना बांधा जाता है उसी तरीके से ये गिरे हुए फसल को उठा करके बधाई कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत सुकरौली का गुरहिया गांव है। जैसे कि ये लोग उसको उठा उठा करके बांध रहे हैं। यहाँ गांव के और लोग भी प्रजेंट हैं, हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं क्या इनका भी फसल गिर गया कि नहीं गिरा है। भाई साहब, क्या आपका फसल गिर गया है? हाँ, गिर गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है? बहुत। आपका? जी, गिरा हुआ है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। आपका भी फसल गिर गया है? हाँ। सबका गिर गया? अच्छा, काफ़ी नुकसान हुआ है। आपका क्या नाम है? हाँ, हाँ, बोलो। हसना नहीं, हसना। अच्छा, आपका भी फसल गिर गया है? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? शोभा देवी। अच्छा, आपका भी फसल गिरा है? गिरा है। हाँ, तो ये ग्राम पंचायत गुरहिया, ये ग्राम पंचायत भवन गांव का गुरहिया गांव है, जहाँ काफ़ी फसल गिर चुका है। गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं फसल गिरने से, फिर भी ये लोग मेहनत करके नया तकनीक अपनाए हुए हैं, किसी तरीके से इसको खड़ा कर देंगे। खड़ा अगर हो गया तो ये हो सकता है फसल बच जाए।